नमस्कार, मेरा नाम धर्मेंद्र, स्वागत है आपका इंडियन न्यूज़ में। आज हमारे साथ में बहुत ही चर्चित शख्स हैं, हमारे साथ हैं कपिल मिश्रा जी। सर, आपका बहुत स्वागत है। थैंक यू भाई। सर, दिल्ली इलेक्शन की बात चल रही है, दिल्ली इलेक्शन में आपका बहुत ही ज़्यादा फेमस नाम हो रहा है, क्या वजह है सर? नहीं, दिल्ली इलेक्शन में आम आदमी पार्टी की सरकार की फेलियर जनता देख रही है और जनता एक ऐसी सरकार चाहती है जो मोदी जी के साथ चल सके, और उसके लिए दिल्ली की पूरी जनता ने मन बना लिया है और उस बात को मैं मुखर होकर बोल रहा हूँ, बस इससे ज़्यादा और कोई बात नहीं है। दिल्ली चुनाव में शाहीन बाग एक बहुत बड़ा मुद्दा बन के खड़ा हुआ है, क्या वजह है? क्योंकि अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस पार्टी शाहीन बाग के नाम पर मुस्लिम वोट बैंक की गंदी राजनीति करना चाहते थे। 20% वोट बैंक की राजनीति करते करते उनको ये पता ही नहीं लगा कि 80% लोग भी इकट्ठे हो गए हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा सर, केजरीवाल जी ने अपना रिपोर्ट कार्ड पेश किया, उसमें आपका क्या कहना है? अपना रिपोर्ट कार्ड कोई नहीं पेश करता जी, रिपोर्ट कार्ड जनता पेश करती है। कभी आपने देखा है आप अपने बच्चे को ये कहोगे कि तू अपना रिपोर्ट कार्ड बना ले? कभी आपने खुद का रिपोर्ट कार्ड बनाया है क्या? अपना रिपोर्ट कार्ड तो वो लोग बनाते हैं जो फेल हो गए होते हैं। कैसा लग रहा है, इलेक्शन एकदम सर पे आ गया, अब प्रचंड विजय भाजपा की सामने दिखाई दे रही है और 11 तारीख को 11 बजते बजते भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में बन जाएगी। कितनी सीटें मान के चले, कितनी? 50 से ज्यादा सीटें आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमें समय देने के लिए।